पहले तो दुखी आत्मा आती है, मोक्ष तो बाद में ध्यान में आवे है, पहले इन संकटों के पीछा छूटे है। तो परमात्मा सबसे पहले आपके ये दुख निवारण करेगा, क्योंकि दुख दूर ना हो तो भक्ति कर ही नहीं सकते, कति नास्तिक हो जाओगे। तो आपके भाग ऐसे नहीं है, भाग नहीं है आपके, पुण्य नहीं है इसलिए आप दुखी हुए, क्योंकि जब तक पुण्य थे तो आप सुखी थे, पाप का दौर शुरू हुआ तो आप दुखी हो गए। तो आपके पुण्य नहीं है बिल्कुल। यहां आपको परमात्मा अपने कोटे से कुछ राहत देता है कि इसका दिल डटे, आत्मा मुझे पहचान सके। धर्मदास यहां गणा अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेरा। धर्मदास जी को परमात्मा कहा करते थे कि धर्मदास संत जो होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, और भाई वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार नहीं हो, यानी संत नहीं है जो न्यू कह चल तेरा न्यू कर दूंगा, तेरा छोरे हो जाएंगे, तू सेठ बन जाएगा, ये इस तरह की बकवाद वजंत्र मंत्र करने की नहीं देता। और वो संत भी नहीं जिससे दुख दूर ना हो, जिससे चमत्कार ना हो, यानी ऐसे अचंभित करने वाले सुख प्राणी को ना हो, तो वो संत भी नहीं है। अब दोनों ही बात बता दी कि धर्मदास यहां घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी यहां काल ने घना ज्ञान फैला दिया, और जय मैं ऐसे सुख ना जो चमत्कार ना करके दिखाऊं, दिखाते नहीं, उनकी वचनों से उनके वैसे हो जाते हैं बगैर किए ही। तो जब तक ये पुण्यात्मा मेरी शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक ये काल के जालते उल्टे नहीं हट सकते, मेरे पास आवेंगे न सुख दूंगा अपने कोटे थे, ये अप चपक जाएंगे, ओहो भगवान पा गया, ओहो ये तो सोचा भी ना था ऐसा सुख भगवान ने दे दिया, और भगवान इसे सुख दिया करे। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा ढूंढते फिरे थे दुखों का निवारण करवाने के लिए, धनी बनने के लिए, कि तो पर्वत पर कि तो गुफाओं में, और भगवान वहाँ पाओगा उस मंदिर में बतावे हैं, केदारनाथ में बताया, यदि सारा घूम लिए, और संत राम जैसे संत मिले उन सारे सारे काम, सब काम, छोटे मोटे काम तो एक आधा जंतर मंत्र वाला भी कर दिया करें, कोई जाड़ जाड़ दिया भी थोड़ा सा राहत दे देगा, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है इस भयंकर कष्ट से नहीं बचा सकता। और यहाँ सारे सुख होंगे सच्चे दरबार में।